मैं आपको बताने वाला हूँ कि Realme Narzo 70X में आप वाईफाई कॉलिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको भी वाईफाई कॉलिंग इनेबल करना है तो इस वीडियो को फुल देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको वाईफाई कॉलिंग को इनेबल करनी है अपने स्मार्टफोन। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। नीचे का फोन डिस्प्ले पे सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जानी होगी और यहाँ पे थर्ड में ऑप्शन आपको दिख रहा हो, देख पाते हैं मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद ऊपर में जो भी आपको सिम लगा, सिम वन या फिर सिम टू, उस पर आपको क्लिक कर दूँ। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग आपको दिख रहा हो, वाईफाई कॉलिंग पे क्लिक कीजिए और सिंपली आप इसे इनेबल कीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर एक दो ऑप्शन आएगा, वाईफाई कॉलिंग प्रीपेड या फिर मोबाइल कॉलिंग प्रीपेड। तो यहाँ पे सिंपली आपको वाईफाई कॉलिंग प्रीपेड रखना है, उसके बाद डन कर देने। अब यहाँ पे देखिए आपका वाईफाई कॉलिंग तो इनेबल हो गया। अब ऊपर में शो कराना है वाईफाई कनेक्ट आएगा, तो शो कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से बैक आ जानेगी और सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जानेगी। सेटिंग्स पे आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार का ऑप्शन आपको दिख रहा था, तो सिंपली आप स्टेटस बार पे क्लिक कीजिएगा। और स्टेटस बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वो वाईफाई आपको दिख रहा हो, तो इसको सिंपली आपको इनेबल करनी है। और जब भी आपका वाईफाई कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर में शो होने लगा आपका जो कॉलिंग वाला जो ऑप्शन होता है, वो वाईफाई कॉलिंग आपको शो होने लगा। तो इस तरह यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। वीडियो जब आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।